एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। आज जो है मैं कंपैरिजन वीडियो लाई हूँ और दो प्रोडक्ट्स का ही कंपैरिजन है, बहुत अच्छा है। दीज आर द बॉडी स्क्रब्स और ये दोनों ओरिफ्लेम के हैं। एक मिल्क एंड हनी की रेंज का है और एक लव नेचर की रेंज का है। मिल्क एंड हनी की रेंज अपने आप में एक महारत और शोहरत हासिल रखती है। लव नेचर की खास बात यह है के 100% नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनते हैं और जो है सर्टिफाइड भी हैं। और इनके अगर कोई स्क्रबिंग पार्टिकल्स और बीड्स पानी में भी जाते हैं तो पानी को वो पॉल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मैरीन लाइफ को भी, मतलब लव नेचर का मतलब लव विद नेचर, नेचर फ्रेंडली है और मछलियों वगैरह को भी नुकसान नहीं होता। इनके जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स होते हैं या ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जो भी चीज़ मेंशन होती है उसी के बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक बीड्स डाल दिए लाइक अदर प्रोडक्ट्स जो क्लेम करते हैं, बट वो प्लास्टिक बीड्स होते हैं जो कि स्किन के लिए भी हार्श होते हैं, टेम्प्रेरी तो फ़ायदा देते हैं। इनके ख़ास बात यह है कि लव नेचर इज़ वेरी नेचर फ्रेंडली। तो ये दो, ये मुझे बड़ा खूबसूरत इसकी पैकेजिंग लगती है, मुझे बहुत पसंद है, क्लासी और एलिगेंट। एनीवेज, दीज बोथ आर, यू कैन सी ऑन माई हैंड दैज दीज आर स्क्रब्स एंड बॉडी स्क्रब्स। इट कैन बी यूज ऑन फेस, बट ये है कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये है कि मैं तो करती हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। जो इन्होंने रेकमेंड नहीं किया कि फेस पे यूज़ करें, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे तो अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और आप मेरी स्किन देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मिल्क एंड हनी का तो शुगर स्क्रब इसके तो मतलब मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा है। और अब बात हम कर लेते हैं कि अगर हम इसको इससे कंपेयर करें या इस, ये जो न्यू स्क्रब आया है, न्यूली लॉन्च लव नेचर का फॉरेस्ट बेरीज डिलाइट एक्सफोलिएटिंग बॉडी स्क्रब जैम। इसकी ख़ास बात यह है कि जैम की पैकेजिंग में है, अंदर से दिखता भी जैम की तरह है, बट ये जैम है नहीं और ना ही हम इसे खा सकते हैं, लेकिन इसकी खुशबू, ओ माय गॉड। अच्छा, ये मेरे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, अब पूरा भरा हुआ था, ये इतना ख़त्म हो गया। अंदर जो है ना इसके वो फॉरेस्ट बेरीज हैं ऑर्गेनिक, और इसके अंदर जो बीट्स हैं वो शुगर की हैं, और बहुत अच्छा है ये। अब अगर हम बात करें कि भाई इसको इससे कंपेयर करते हैं, क्या ये अच्छा है या ये अच्छा है, तो यकीन माने दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, कुछ लोग कहते हैं ये अच्छा है, कुछ ये अच्छा है, मैं कह रही हूँ दोनों का कंपैरिजन नहीं है, अपने आप में दोनों बढ़कर एक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है, लेकिन दोनों के फ़र्क क्या है या बेनिफिट्स क्या हैं वो बता दूं। इसके अंदर ऑर्गेनिक जो है नेचुरली एक्सट्रैक्ट लिखा है ना, ऑर्गेनिकली सोर्स्ड एक्सट्रैक्ट शुगर स्क्रब है इसके अंदर, और मिल्क है, हनी है और शुगर है, नेचुरली सोर्स एक्सट्रैक्ट है, ऑर्गेनिक दूध है इसके अंदर। और ये तमाम चीज़ें हमारी स्किन के लिए इतनी बेनिफिशियल हैं, और इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बेस्ट पार्ट इसके बॉडी में, आप ऐसे पाँव पे, नकल्स पे, जितनी भी ये चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं, लाइक ये हमारे नकल्स अगर ब्लैक हो जाते हैं या एल्बो हो जाती है, नीज हो जाते हैं, इसके साथ साथ हमारी गर्दन हो जाती है, अगर ये तमाम चीज़ों का आपको इशू होता है, ये ऑल इन वन बेस्ट सोल्यूशन है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से थोड़ी सी थिक है, बहुत अच्छा है, और इसके माइल्ड पार्टिकल्स हैं, लेकिन ज़्यादा इसको हार्शली वो रिमूव करेंगे तो हार्श हो जाएंगे, तमाम डेड स्किन सेल्स निकाल देंगे। खुशबू की बात की जाए तो बहुत रिफ्रेशिंग है, और आपको पता होगा मिल्क एंड हनी की रेंज की जो यूज़र्स हैं कि कितनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है और रेंज है। तो यहाँ मैंने इसका लगाया, और अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अगर हम इसकी बात करें, ये भी बॉडी स्क्रब है, ये फेस पे भी लगाते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर जो शुगर पार्टिकल्स इसके अंदर है इससे लाइट है। अब देखें, अगर हम इसको ब्लेंड करेंगे या रिमूव करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी में तो करेगा ये, लेकिन ये झाग नहीं बनाएगा, ये अच्छा है और नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी शुगर स्क्रब की, तो ये झाग बनाता है। आप इसको जो है अगर पानी में भी लगाएंगे ना, तो पानी मैंने इस वक्त रखा नहीं है, तो ये अब हम, मैं अपने स्किन की ही एक्सफोलिएशन कर लूँ, ये देखें ये झाग बना रहा है, इफ़ यू कैन सी। फिर आपने दो ड्रॉप्स पानी लिया, फिर आपने किया, तो ये झाग बना रहा है, ये देखिए, तो ये फ़र्क है। तो अगर आपको झाग और ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप देख लें, मेरी तरफ से दोनों रेकमेंडेड हैं, मेरे पास दोनों हैं, मैं दोनों यूज़ करती हूँ। अच्छा, बात कर ली जाए कि अगर बच्चों के हवाले से, तो फिर आपके पास ये होना चाहिए कि थोड़ा सा माइल्ड साइड पे, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं फिर रेकमेंड करूँगी फैमिली और बच्चों को भी, आपको देना है तो ये आपके पास हो,
पैकेजिंग के लिहाज से भी अच्छा है, खूबसूरत भी है, गिफ्ट पर्पज़ के लिहाज से भी अच्छा है। तो ये हो बहुत माइल्ड सा है, अच्छा सा है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं तो क्या ही अच्छी बात है। यूज़ तो ये भी बच्चे कर सकते हैं बट ज़्यादातर टीनएजर्स से शुरू होता है, छोटे बच्चे हार्श कर सकते हैं ज़्यादा ज़ोर से रगड़ने पर। तो ये आपकी चॉइस है, और जैसे ही आप इनके साथ फेस वॉश या बॉडी वॉश जो भी करेंगे, जहाँ भी अप्लाई करके एक्सफोलिएट करेंगे, तो यकीन माने वो जगह इतनी सॉफ्ट एंड सिल्की और स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, स्मूथनेस की बात की जाए तो इसको वॉश करने के थोड़ा सा शाइन और ग्लो और रेडियंस आता है। इसको बात की जाए तो इसको रेगुलर यूज़ करने से स्मूथनेस तो ऐसे नहीं, सॉरी इसमें स्मूथनेस ही आएगी क्योंकि स्मूदनिंग है, मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे, लेकिन इसमें इतना रेडियंस नहीं आएगा। बट बिलीव मी, अगर आपकी स्किन पे कोई इश्यूज़ हैं, धब्बे हैं, तो आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो यकीन मानो सब गायब हो जाते हैं। तो ये इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। मेरी स्किन टैन हो गई थी और इसने सही किया है, तो ये बहुत अच्छा है। और ये है कि आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑनेस्ट रिव्यू था। आई होप कि आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं, शुगर स्क्रब आपको पसंद है कि ये, या दोनों मेरी तरह, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ योर सराउंडिंग। अल्लाह हाफिज़।